हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए वेल विद 10 मीटर इनसाइड डायमीटर, एक कुआ है जो क्या है 10 मीटर उसका डायमीटर है। मैं बना देता हूं, इस तरह का कुआ है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है 10, तो रेडियस कितनी होगी 5 मीटर, ठीक है। अब देखो भाई क्या बोल रहा है, 10 मीटर डायमीटर और रेडियस कितनी होगी 5 मीटर, ठीक है। और डीप कितना है 14 मीटर डीप, यानी हाइट कितनी होगी हमारे लिए 14 मीटर। अब क्या बोल रहा है, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स इज स्प्रेड ऑल ओवर द अराउंड द विड्थ। अब देखो अर्थ इसके बीच में से मिट्टी निकाली और उस मिट्टी को इसके चारों तरफ फैला दिया, इस तरीके से फैल जाएगा भाई, ठीक है। ये ऐसे मान लो ये बना दिया इसने, एक चबूतरा बना दिया इसके चारों तरफ, चबूतरा बोलो आप जो भी आप आपकी लैंग्वेज में बोलते हो, एक ये बना दिया इसके चारों तरफ, ये यहाँ पे जो पानी भरने के लिए घाट होता है इस टाइप का बना दिया, ये कुएं में से मिट्टी निकाली और यहाँ पे फैला दी इसमें, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऑल अराउंड द विड्थ ऑफ 5 मीटर, और ये जो विड्थ है ये वाली ये कितनी है 5 मीटर, ठीक है। फॉर्म एम्बैकमेंट, तो फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट, तो हमें ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट क्या करनी है निकालनी है। तो देखो इस एम्बैकमेंट में क्या भरा है, मिट्टी, मिट्टी कहां से निकाली इसमें से, तो यानी इसका वॉल्यूम और एम्बैकमेंट का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, यानी सिलेंड्रिकल वेल लिख दो, ठीक है। कुएं का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई कितनी होगी 22/7, आर कितना है इसका 5 × 5 × हाइट कितनी होगी 14, तो 7 × 2 = 14 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया। अब हमें निकालना है एम्बैकमेंट का, तो देखो भाई अगर मैं इसकी रेडियस 5 और 5 ये, तो कितनी होगी टोटल रेडियस बाहर वाले कुएं की 10। तो देखो मैं इसमें ले लिया एक आर, ले लिया हमने 10, ठीक है। अब समझने की क्या बात है, देखो एम्बैकमेंट है, इसकी हाइट इतनी है, तो ये अंदर से तो खोखला है ना, क्योंकि ये तो कुआ है बीच वाला, तो ये वाली जो हाइट है इसके बराबर जो हाइट है वो वाली तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्यों, माइनस करना पड़ेगा ना अंदर का, और फिर बाहर बाहर का वॉल्यूम आएगा, तो अंदर का वॉल्यूम तो निकाल लिया ये, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम क्यूब में होता है, ठीक है, तो अंदर का वॉल्यूम तो निकाल लिया ये। अब इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे इसमें से, यानी हाइट इक्वल लिखनी है, तो बाहर वाली की रेडियस तो कितनी होगी 10, 10 कैसे 5 है और ये 5 है, और छोटा आर यानी अंदर की रेडियस कितनी होगी 5, और हाइट दोनों में हो गई सेम, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, अब मैं निकालता हूं वॉल्यूम बड़े वाले का, यानी पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर देते हैं और ये वाला ही, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और एच, एच सेम है दोनों में, क्यों, क्योंकि सेम हाइट तक का ही वॉल्यूम माइनस करेंगे तभी तो हमें इसकी हाइट पता चलेगी, क्योंकि सेम हाइट तक का बीच का इसका माइनस कर देंगे। तो देखो हम इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, मैं पाई और एच कॉमन ले ले सकता हूं, पाई और एच कॉमन ले लिया। अब आर, बड़े वाला आर कितना है 10 स्क्वायर और छोटे वाला आर कितना है 5 स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 × h, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो 15 और ए माइनस बी करेंगे तो 5, ये आ गया। अब हाइट आ गई, अब देखो ये किसका वॉल्यूम हो गया, इस एम्बैकमेंट का वॉल्यूम। अब इसमें हाइट हमें पता नहीं, हाइट निकालनी है, और इसका वॉल्यूम और इस कुएं का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि कुएं में से ही तो मिट्टी निकाल के यहां पे बनाई गई, तो कुएं का वॉल्यूम हमारा ये आया था, यानी वेल का वॉल्यूम ये आया था, इसको हम इसके इक्वल रख देते हैं 1100। अब हम एच इक्वल टू 1100 और इन सबको उधर ले जाते हैं, 7 नीचे था ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया इंटू 15 × 5, ठीक है। तो मैं पहले तो 11 से काटता हूं, 11 × 1 = 11 और 11 × 2 = 22, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा तो मैं क्या करता हूं, इनको मल्टीप्लाई करके और सीधा काट देता हूं, तो यह आ गया ऊपर, आप काट के इसको निकालोगे तो यह आएगा 15, क्योंकि 5 × 2 = 10 और 10 से 10 कट जाएगी और 7 × 10 = 70, 70/15 बचेगा, और जिसको पॉइंट में निकालोगे तो आएगा आपका 4.67 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, यानी जो इसकी हाइट है वो 4.67 आएगी, 4.666 आएगी, तो आप एक पॉइंट एडजस्ट करके 67 कर लोगे, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एम्बैकमेंट की हाइट जो है वो 4.67 हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल पे 300 के आसपास वीडियो है 10th क्लास के,
तो आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप सारे वीडियोस देख लेते हो तो आपको मैथ की कोई भी प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।